फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा 34 लाख रुपये आपके पास, किस गाड़ी के पास? देखिए मैं सीधा सीधा 34 लाख रुपये में एल्सविन पे दोबारा जाऊंगा। अच्छा, आप अगेन फिर से, मतलब आप 34 लाख रुपये फिर से एल्सविन में दोबारा ही एल्सविन लूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज़ कि जितनी ऑप्शन इसके अंदर आती हैं वो किसी और गाड़ी में नहीं है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज हम एल्सविन का ऑनर रिव्यू करने लगे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे दोस्त विकास भाई, उनकी गाड़ी है ये एल्सविन। विकास भाई वेलकम टू चैनल। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी गाड़ी जो ये एल्सविन है ये कौन सा वेरिएंट है? ये बेसिकली लुमेर है, चंगान एल्सविन लुमेर, और फुल ऑप्शन जो आती है टॉप ऑफ द लाइन, फुल ऑप्शन वाली सनरूफ वाली, सनरूफ के साथ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये मॉडल कौन सा? मॉडल है 2021। मैंने बेसिकली नवंबर सितंबर में बुक करवाई थी, 21 में नवंबर में मुझे मिल गई थी। ठीक है, तो अच्छा आपने ये बुकिंग कराई थी? बुकिंग पे। और ये कितने टाइम बाद आई बुकिंग पे? टेंटेटिव 2 मंथ्स का टाइम था, सॉरी 3 मंथ्स का टाइम था, और नवंबर मेरा टेंटेटिव मंथ था। तो मुझे फिर 14th of November पे कॉल आ गई थी कि आपकी गाड़ी आ गई आपने। तो कोई मतलब मसला तो नहीं होगा आज भाई गाड़ी आते, क्योंकि सुना है बड़ा तंग भी लोगों को इन्होंने किया, गाड़ियां बुक कर ली और उसके बाद देना नहीं स्टार्ट किए, ऐसा कोई इशू था? इसमें इशू बहुत बड़ा था, और मैंने बुकिंग कराने से पहले फेसबुक पे चंगान का पेज एक ज्वाइन किया हुआ था, और उस पे लोगों की इन सारी शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए 6 सितंबर को जब मैंने गाड़ी बुक करवाई थी, और जो मेरा एजेंट था, तो अगर जो शोरूम है वो 6 डेज अ वीक खुलता है, तो मैं 6 डेज रोजाना की कॉल उसको जाती थी सलाम दुआ कि भाई मैं मेरी गाड़ी आपके थ्रू, मतलब रोज आप हाल चाल पूछते, रोजाना मैं हाल चाल पूछता था, और वीक में तकरीबन 3-4 चक्कर उनके शोरूम पे जाके ओवर अ कप ऑफ टी मैं अपना चेहरा कराता था। ठीक है, और ये रीजन भी इसी वजह से था कि पाकिस्तान में रहते हुए यू हैव टू पुश फॉर योरसेल्फ, आप ये कंपनी पे नहीं रह सकते अच्छा मैंने बुक करवा दी तो मुझे टेंटेटिव मंथ में मिल जाएगी। प्रॉब्लम्स हैं, नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप अपना ही केस परसू नहीं करेंगे तो कंपनी आपके पे आपके कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपने विकास भी कितने पैसे दिए थे? पार्शियल पेमेंट के ऊपर गाड़ी बुक, पार्शियल पेमेंट थी 5 लाख रुपया मैंने जमा करवाया था। सही है, और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मैंने फुल पेमेंट जबरदस्ती उनको जमा कराई, क्योंकि वो फुल पेमेंट भी नहीं ले रहे थे। तो ये आपको गाड़ी कितने की टोटल कॉस्ट हुई? 25-34 की बेसिक जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी उस टाइम, और टैक्सेस मिला के 26 समथिंग की, मुझे अराउंड 26.5 कर लें आप, इतने की पड़ी। तो अब तो विकास भी बड़ा रेट हो गया गाड़ी का, ये तो आप कितने की होगी तकरीबन? मेरा ख्याल 33-34 की निकल चुकी है, 33.5 to 34 में आ रही है। बाकी आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, इसकी क्या कॉस्ट थी? रजिस्ट्रेशन उस टाइम 25.5 के लिहाज से तकरीबन 53,000 समथिंग बन रही थी, बट क्योंकि मेरा इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं था और एजेंट की फीस, मतलब उस तरह मैंने परसू किया अपने केस को, तो मुझे 77 में पड़ी, मतलब 17,000 मैंने, लेकिन वैसे जो कॉस्ट है वो तकरीबन 50 to 55 अराउंड इतनी थी, और अब तो लेकिन ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि अब ज्यादा होगी क्योंकि गाड़ी महंगी होगी। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास होंडा सिविक थी 2002 मॉडल, EXi Prosmatic। ठीक है, और वो उसको सेल आउट किया और फिर कुछ पैसे ऐड किए, तब फिर ये वाली आपने गाड़ी। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और जो मतलब टीथिंग इश्यूज हैं वो हर गाड़ी के अंदर होते हैं, बट उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई मचाने से बेहतर है कि आप उसके रिजॉल्व की तरफ जाएं तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्योंकि अब देखें मैं भी वो एल्सविन के जो फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर हूँ, तो लोगों का कुछ टायर्स के इश्यूज आते हैं कि जी गाड़ी का टायर्स फूल रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी पेंट क्वालिटी उस तरह की नहीं है, पीछे जो इसके बंपर के ऊपर जो पार्किंग सेंसर्स हैं आपने वो देखा होगा, तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा था जिस तरह हाथ से पेंट हो गया है। आपको कोई इस तरह का कोई इशू फेस हुआ, या इसके अलावा कोई और इशू? कुछ एक इशू मैं और भी देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे जी इसके गियर से भी कुछ आवाज आ रही है, तो आप बताएं आपके गाड़ी आप चला रहे हैं तकरीबन 5-6 महीने हो गए आपको गाड़ी चला रहे? अराउंड 7 मंथ्स और 8,800 किलोमीटर। ठीक है, तो 8,000 भी आपने माशाल्लाह से गाड़ी चला ली, 7 महीने आपको गए, आपको इस टाइम पीरियड में कोई भी इशू आपको कोई फेस ऐसा हुआ है जो कि बाहर लोग देखें? जैसे आपने जिक्र किया टायर्स इश्यूज का, तो यस एक बैच इनका था जिसके अंदर टायर इश्यूज आ रहे थे, टायर का फूल जाना और अगर उसको एड्रेस ना करना तो बर्स्ट कर जाना, बट वारंटी क्लेम में वो टायर चेंज हो रहे थे, बट उसमें से ये वो बैच की गाड़ियां थी जो कि कोविड में पोर्ट्स के ऊपर खड़ी नहीं थी और काफी अर्सा खड़ी नहीं थी, उनकी डिलीवरी लेट हुई थी, तो उस वजह से टायर इशू आए थे मेरे पास। जो मेरा यूनिट है उसके अंदर मुझे टायर इशू नहीं आया अभी तक,
नॉकिंग इशू एल्सविन का काफ़ी कॉमन है और उसमें भी ये होता है कि चूंकि ये डीसीटी है तो डीसीटी को सीवीटी बेसिकली बल्कि अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे इधर पाकिस्तान में ऑटोमेटिक गाड़ी को ये समझा जाता है कि आपने पार्किंग से डी पर डालना और गाड़ी भगा देनी आप सीवीटी नहीं सोचते कि वो सीवीटी है या डीसीटी है और दोनों को चलाने का डिफरेंट स्टाइल है। डीसीटी खासतौर पर क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी के तहत आया हुआ है डुअल क्लच है तो आपने उसको उतना सेकेंड मतलब एक आध सेकंड के लिए डी पे शिफ्ट करके थोड़ा सा ये टाइम वेट करना है उसके बाद सेकंड का मेरे ख्याल है वेट है दो सेकंड का आप वेट करें और आप चलाएं फिर आप। अभी तक मुझे यही इशू है जहाँ तक पेंट इशू का ताल्लुक था तो जो जिस बैच में मुझे गाड़ी मिल रही थी उसमें पेंट इशूज भी रिजॉल्व कर दिए गए थे तो अभी वो पार्किंग सेंसर्स का मुझे खाली एक इशू है मतलब मुझे कंपनी से अभी भी एतराज़ है जो लेटेस्ट गाड़ियाँ भी आ रही हैं कि पार्किंग सेंसर्स इस तरह लगते हैं कि उन्होंने सारी गाड़ी बनाने के बाद हाथ से प्लेस की हाथ से कोई फिनिश नहीं है हालांकि आप बाकी गाड़ियाँ देख लें उनके साथ की गाड़ियाँ बेशक देख लें तो वो उनके बिल्कुल फिनिश के साथ फील होता है आपको अच्छी फील आती है बट ना होने से कुछ होना बेहतर है। जब आप गाड़ी खरीद रहे थे ये तो आपके पास एक बजट था कि यार मैंने 25 लाख के अंदर अंदर गाड़ी लेनी है या आपने सोचा हुआ था मैंने एल्सविन लेनी है परचेजिंग डिसीजन क्या था ये गाड़ी खरीद सबसे पहला परचेजिंग डिसीजन तो बिल्कुल ये था कि भाई पैसे नहीं थे और बहुत भी अगर मैं खींच लेता तो मेरे पास 25 से ऊपर पैसे नहीं थे तो मतलब आपका एक बजट था बजट 25 लाख के अंदर मैंने गाड़ी खरीदी बजट था बट उसमें ये है कि अगर कोई इससे बेहतर चीज होती तो माइट बी देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसकी तरफ जाता बट तीन सब कॉम्पैक्ट सेडान की कैटेगरी से ये गाड़ियाँ थी एल्सविन उस टाइम एक ऑप्शन थी सिटी थी और यारिस थी यारिस की मतलब नो ऑफेंस बट उसकी शेप मुझे पसंद नहीं ठीक है हालांकि वो टोयोटा की भी है बट मुझे उसकी शेप पसंद नहीं है और वो स्टिल यारिस के ये एल्सविन के टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट से महंगी थी और दूसरी उस टाइम रिसेंट लॉन्च हुई थी सिटी और सिटी का टॉप ऑफ द लाइन उस टाइम जो वेरिएंट था वो जा रहा था 32 लाख 1.5 स्क्वायर वो 32 लाख पे जा रहा था तो 32 बहुत ज़्यादा था तो आई थॉट कि मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ एल्सविन अवेलेबल है तो और सस्ते में है तो उसको ले लेना चाहिए। अच्छा तो आपने वैसे गाड़ियाँ जाके देखी थी सिटी को भी देखा था यारिस को भी आपने शोरूम पे जाके देखा था और इसको भी आपने पहले शोरूम पे जाके देखा होगा गाड़ी सारी चेक की होगी तो तीनों गाड़ियों में आपको क्या डिफरेंस लगा बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी और बाहर पेंट वगैरह की बिल्ड क्वालिटी में कोई आपको तीनों गाड़ियों में कोई फ़र्क लगा? देखिए उसमें पाकिस्तान का जो मोस्ट कॉमन बिल्ड क्वालिटी को चेक करने का तरीका है वो बोनट को प्रेस करने वाला होता है ठीक है तो उसमें तो झंगान बीट कर रहा था हर एक को गाड़ी तो ये सॉलिड है ये वैसे तो गाड़ी मतलब बोनट शोनट पे हाथ मारो बॉडी वाइज तो गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब अगर आप सिटी को मारे सिटी में भी वो एक छनक सी आती है और यारिस को भी मारे तो एक छनक सी आती है इसमें नहीं था और जो मेरा ज्यादा आफ्टर बजट जो मेरा फोकस था वो ये था कि इसकी जो लुक्स थी और जो ऑप्शन थी वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी ठीक है एज कम्पेयर टू यारिस और सिटी मतलब अगर मुझे दो इवेंट्स पीछे इसमें नहीं मिल रहे तो मेरे 7 लाख रुपए भी उस टाइम के लिहाज से बच रहा था मतलब अगर मैंने सिटी इसमें दो इवेंट्स हैं पीछे नहीं सिटी में दो इवेंट्स पीछे आ रहे थे और वो पर आ रही थी 32 लाख में तो अगर दो इवेंट्स के चक्कर में मैं 7 लाख ऊपर दूँ मुझे समझ में नहीं आता और सनरूफ भी नहीं था। आपको ये सिटी में फ्यूल एवरेज क्या दे रही है काफी सिटी में ये मुझे डिपेंडिंग ऑन रोड सिचुएशन मुझे अगर रश है चले रश है आप इसमें पिंडी में आपने गाड़ी डाल दी आपको पिंडी में अगर मरी रोड और इस तरह रश वाले एरिया में डाल दी पीक आवर्स में मैंने गाड़ी डाल दी तो मुझे ये 13-14 फिर भी दे देती है और नॉर्मल जिस तरह इस्लामाबाद में अब हम लोग अभी जिस तरह फिर रहे थे कि अभी रोड्स खाली हैं ये आराम से जिस पेस में हम जा रहे हैं जितने मजे से हम ड्राइव कर रहे हैं तो ये आराम से 15+ में निकल दे देती है। अच्छा 15+ आपको दे दी क्योंकि फ्यूल अब बड़ा महंगा हो गया मैं उस सेंस से भी लोगों को बिल्कुल फ्यूल महंगा हो गया बट ये है कि इसकी सिटी एंड लॉन्ग की एवरेज एल्सविन की बेहतरीन है और इट ऑल डिपेंड्स एट द एंड ऑफ द डे के चलाने वाला जो बंदा है वो कैसे गाड़ी चला रहा है कैसे चला रहा है अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाएंगे और रोड के लिहाज से गाड़ी चलाएंगे तो आपको एवरेज मिलती है गाड़ी की। इसको आप लॉन्ग रूट पे लेके गए? लॉन्ग रूट पे मैं दो जगह पे लेके गया हूँ दो दफ़ा मेरा मेरा लाहौर का टूर था और अच्छा। एक दफ़ा मैं पीर चनासी तक गया हूँ उस गाड़ी को लेकर तो कैसा एक्सपीरियंस था? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लाहौर का मुझे लॉन्ग के ऊपर एज पर जो इसका डिजिटल एवरेज है वो उसने मुझे 20 दी है और जो पीर चनासी के लिहाज से था हाइट के लिहाज से था उस लिहाज से भी इस गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं नॉर्मल डी मोड के ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ी है कम्प्लीट फैमिली साथ थी। अच्छा तो एक्सपीरियंस मतलब अच्छा था और एवरेज भी आप कह रहे हैं कि लॉन्ग के ऊपर गाड़ी की बहुत लॉन्ग के ऊपर इसकी बहुत अच्छी एवरेज है और
डिपेंड करना कि एट द एंड ऑफ द डे चलाने वाले पे है। अगर आप अच्छी से अच्छी गाड़ी भी मतलब रोड के लिहाज से नहीं चलाएंगे तो एवरेज नहीं निकलती। सही है। इसकी सस्पेंशन के बारे में कुछ बताया, सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है या स्टिफ है? सस्पेंशन से आप सेटिस्फाई हैं? क्योंकि आप देखें, आप कह रहे मैंने लॉन्ग रोड भी मारा है, आप सिटी के ऊपर भी चला रहे हैं, पीर चनासी इस गाड़ी को लगेंगे, सस्पेंशन की क्या परफॉर्मेंस है? सस्पेंशन में मुझे जो इसकी फील आई है कि बबल फील मुझे होता है, लाइक अगर किसी खड्डों के ऊपर से मैं गुजरूंगा तो मुझे थोड़ी बम्पी सी फील आती है। अच्छा, बम्पी सस्पेंशन है? बम्पी सी मुझे फील होती है, बाकायदा फील होता है, जैसे बबल इफेक्ट आता है, बट स्टिल आई एम सैटिस्फाइड विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कच्चे पक्के में ठीक है, कोई आपको कोई सस्पेंशन से कोई कंप्लेंट नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली बैठा के भी मैंने इसको टेस्ट किया है। ठीक है। खाली गाड़ी हो, लाइक अगर खाली मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो उसमें अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा और खड्डे के ऊपर से गुजरा तो बाकायदा फिर थोड़ी सी बबल फील आती है। ठीक है। और इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए आजकल जिस तरह हीट वेव चल रही है और पाकिस्तान का जो टेम्परेचर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे या मेरी फैमिली ने अभी तक उस तरह कंप्लेंट नहीं की यार बहुत गर्मी है। यस, उसमें थोड़ा किसी भी गाड़ी को टाइम लगेगा कि अगर वो गर्मी में खड़ी है और जो अंदर हीट वाला टाइम लेता है वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एसी की कूलिंग ठीक है, अच्छी है। अभी वैसे हम लोग बैठे, गाड़ी अच्छी कूल हुई। मतलब इसमें चंगान को इतना मतलब क्रेडिट जाना चाहिए कि जो उन्होंने अंदर का ये जो सेटिंग है वो इतनी उन्होंने एयर टाइट बनाई हुई है कि एक टाइम इस गर्मी में भी आता है कि एसी को आस्था करना पड़ता है कि यार बेर नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही। जितने पैसे तो आपने खर्च कर लिए, अभी आप गाड़ी की चीज़ मिस करते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना वो गाड़ी को गाड़ी के अंदर इन्होंने मतलब मिस कर दी, ये डालनी चाहिए थी? जिस टाइप का मैं ड्राइवर हूँ मैं चीज़ों को स्टॉक में रखने का आती हूँ, मैंने उसे छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट मेरे सामने एक चीज़ आई है और वो ये है कि सनरूफ जो है मतलब वो एक मतलब फैसिलिटी है या ऑप्शन है, इसमें अगर वो बॉडी को डिटेक्ट कर लेता है सनरूफ तो वो आपका शीशा अगर कोई मैल फंक्शन हो जाए या हाथ लग जाए और शीशा बंद और पर अगर फॉर एग्जांपल बच्चे बीच में खड़े हैं या आपका हाथ बीच में है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, वो चढ़ा दे जाता है, मतलब वो पूरा बंद हो जाएगा। इसमें इस चीज़ को थोड़ा बेहतर करना, ये चीज़ थी। बाकी अगर वो जो नॉर्मल चले, ये तो एक काफी फंक्शन वाइज एक चीज़ होगी ना। वैसे आप कोई कुछ क्या चीज़ मिस करते हैं गाड़ी के? अगर तो वो मुझे वही वाली बात है जो पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा डिमांड कर रहा होता है कि रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हो जाए तो अच्छी बात है, वो स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। और जहाँ तक हिल असिस्ट का ताल्लुक है तो हिल असिस्ट मेरी इतनी ड्राइव हिल के ऊपर है नहीं है तो आई डोंट मिस दैट। ट्रैक्शन कंट्रोल ये से रहते हैं, बाजू का जरूरत पड़ जाती है। कंट्रोल है इसमें? यस, क्रूज कंट्रोल है, मैंने इसको टेस्ट भी किया लाहौर जाते हुए। अच्छा। और मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था क्रूज का, तो मेरी तो जान निकली थी, तो फॉर दैट रीजन मैंने 120 से हट के मैंने इसको 110 के ऊपर क्रूज लगाया थ्रू आउट लाहौर और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे बेहतरीन चला। बेहतरीन चला। अगर दोबारा से आपको ऑप्शन मिले 34 लाख रुपीज में तो आप इसी गाड़ी के ऊपर जाएंगे या आपके पास अब और ऑप्शंस भी हैं जिस तरह स्विफ्ट हो गई, अब स्विफ्ट भी आ गई है उसको भी चले कंसीडर कर लेते क्योंकि वो भी तकरीबन 32 लाख रुपए की है। सिटी भी आपके पास 1.2 सीवीटी आ जाएगी, यारिस भी आपके पास 1.3 एटिव आ जाएगी और आपके पास साथ ये वाली आपकी गाड़ी 1.5 फुल ऑप्शन 34 लाख रुपीज में, ये चार गाड़ियाँ इस अवेलेबल हैं। अब क्योंकि आपने गाड़ी 7 महीने चला भी लिया फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा 34 लाख रुपये आपके पास, किस गाड़ी के पास? देखिए मैं सीधा सीधा 34 लाख रुपए में एल्सविन पे दोबारा जाऊंगा। अच्छा, आप अगेन फिर से मतलब 34 लाख रुपए फिर से एल्सविन? मैं दोबारा ही एल्सविन लूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि जितनी ऑप्शन इसके अंदर आती हैं वो किसी और गाड़ी में नहीं है। ठीक है। अगर आप उसको स्विफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं कि नहीं उसके अंदर इससे भी ज्यादा ऑप्शन है तो वो हैचबैक है, तो वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर, सेडान कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं तो मैं एल्सविन पे जाऊंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि तो मुझे 1.5 मिल रही है, क्रूज मिल रहा है, मुझे लेटेस्ट जनरेशन की गाड़ी मिल रही है और जो लेटेस्ट जनरेशन का इंजन चल रहा है वो मुझे मिल रहा है, ब्लू कोर के साथ आता है, तो यस आई वुड प्रेफर एल्सविन वंस अगेन। मतलब आप सिटी और यारिस नहीं? कभी भी आप दोबारा से मतलब आप गाड़ी से फुल सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आपको पसंद है, कोई भी बाकी मसला मसाइल नहीं है गाड़ी के अंदर? देखिए लोगों के मसाइल मैं सुनता रहता हूँ, वो मसाइल मुझे अभी तक नहीं आए। DCT के लिहाज से बहुत लोग इशू क्रिएट करें क्योंकि एक नई चीज़ है, लोगों को समझने में टाइम लगेगा। ठीक है। और अभी तक जिस तरह जब मैंने गाड़ी ली थी जितना लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब उसकी इंटेंसिटी में कमी आई है,
अब DCT चला के लोगों को खुद भी एक्सपीरियंस हो गया, तो दे नो कि हाउ टू ड्राइव इट। अच्छा आकाश भाई, आखिरी सवाल है, फिर वीडियो भी लंबी हो रही है, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इस गाड़ी को आप अभी तक जो आपने 7 महीने हो गए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट किया है, और उनके जो बैकअप है चंगान वालों के, उससे आप सेटिस्फाई हैं? मतलब जो वो गाड़ी को बैकअप दे रहे हैं, और ऑयल की कॉस्ट वगैरह कितनी है, सारा कुछ आपने करवाया तो होगा इसका काम? देखिए, मैंने इस्लामाबाद डीलरशिप से ली थी, चंगान इस्लामाबाद वालों से। इनका जो इनिशियल जो एरिया था, सर्विस स्टेशन था, वो काफ़ी छोटा था, बट ये है कि अभी वो I-9 में प्रॉपर अपना I-9 में कल मैंने देखा वो शिफ्ट कर चुके हैं ऑटो के नाम से। एक्जैक्टली, तो वो शिफ्ट वहाँ पे कर चुके हैं, तो वो काफ़ी अच्छी एक जगह उन्होंने बना ली है। जहाँ तक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का ताल्लुक है, तो पहले 1000 के ऊपर तो कोई उसकी चार्जेस नहीं है, 1000 के ऊपर जो आपकी सर्विस होगी वो फ्री है। वो तो नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मल जब आप गाड़ी आगे जाएंगे तो आपको क्या कॉस्ट पड़ती है ऑयल वगैरह सब? नॉर्मली जो 5000 के ऊपर जो मैंने पहला ऑयल वगैरह चेंज कराया है, वो मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 5500 to 6000 में। उसके अंदर ऑयल था? उसके अंदर ऑयल था, फिल्टर था, ऑयल फिल्टर था, नहीं चार्जेस उसमें उन्होंने कोई टैक्स वगैरह नहीं चार्ज किया हुआ था। नहीं, उनके जो वो लेबर चार्जेस होते हैं, लेबर चार्जेस थे, वो कितने थे? वो अराउंड 1000 rupees थे। अच्छा, मतलब कि 5-5.5 हज़ार में बड़ा सस्ता काम होगा। 5-5.5 में ये था, और इसके अंदर एक और चीज उन्होंने चेंज की थी, वो था फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर फर्स्ट 5000 के ऊपर वो चेंज करते हैं, उसके बाद जितने फ्यूल फिल्टर चेंज होंगे वो 10000 किलोमीटर के बाद चेंज होंगे। और वो फ्यूल फिल्टर की क्या कॉस्ट है? उसका आइडिया नहीं है, पर लमसम जो मेरा बिल 5000 के बाद बना था वो अराउंड 6000 rupees का था। एक रुपया एक किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपको दे दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। बॉयज, विकास भाई का भी चैनल है राह चलते हुए, इनका चैनल है यूट्यूब पे, उसके ऊपर ये सारी एल्सविन की वीडियोस वगैरह डाल रहे होते हैं, जो एल्सविन के बारे में गाड़ी के बता रहे होते हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल रहा होगा चैनल का, आपने जाके विकास भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और एल्सविन की आप वीडियोस आप उनके चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ऑनर रिव्यू पसंद आया होगा, तो मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।